फाइनेंस बिल 2023 कुछ अमेंडमेंट के साथ पार्लियामेंट में पास हो गए और टैक्सेशन के लिहाज से उसमें दो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं। उसमें से एक अमेंडमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि 1/4/2023 से गोल्ड म्यूचुअल फंड, फॉरेन इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट फंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये प्रोविजंस केवल गोल्ड म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और फॉरेन इक्विटी म्यूचुअल फंड पर ही लागू होंगे और ये लागू होंगे 1/4/2023 से। इसका सीधा साधा मतलब कि 31/3/2023 तक जो इन्वेस्टर ये तीनों म्यूचुअल फंड खरीदेंगे उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा, चाहे वो 5 साल के बाद रिडीम करें या 6 साल के बाद रिडीम करें या 10 साल के बाद रिडीम करें। जैसे ही ये सूचना मीडिया में आई, सोशल मीडिया पे तूफान आ गया और उस तूफान से कुछ विचित्र बातें, आश्चर्यजनक बातें सामने आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि आम इन्वेस्टर, कॉमन इन्वेस्टर उससे ये समझ रहा है कि अब डेट म्यूचुअल फंड बेकार हो गए और 1/4/2023 से जो डेट म्यूचुअल फंड में पैसे आने वाले थे वो सारे पैसे बैंक FD की ओर डाइवर्ट होंगे, जहां की आज के दिन में इंटरेस्ट रेट 7.5% के आसपास मिल रहा है। आज हम इसी बात की तुलना करेंगे कि क्या इस नए प्रोविजन के आलोक में, लाइट में, क्या डेट म्यूचुअल फंड बिल्कुल ही डेड हो गए या उसमें अभी भी कुछ दमखम बाकी है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्टॉन टैक्समैन में आप एक बार फिर से स्वागत है, मेरा नाम DM झा है। आज चर्चा का मुख्य विषय है डेट म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो इंडेक्सेशन की सुविधाएं मिला करती थी, अब वो सुविधा, इंडेक्सेशन की वो सुविधाएं, वो बेनिफिट्स 1/4/2023 से अब नहीं मिला करेंगे उन इन्वेस्टर्स को, उन डेट फंड म्यूचुअल इन्वेस्टर्स को जो 1/4/2023 या उससे आगे परचेस करेंगे और भविष्य में रिडीम करेंगे और यदि उस पर कोई कैपिटल गेन होगा। तो इस पर चर्चा करने के पहले ये आवश्यक हो जाता है कि हम जान लें कि टैक्सेशन पर्पज से डेट म्यूचुअल फंड हम किसे बोलते हैं। डेट म्यूचुअल फंड और एक्चुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड डिसाइड करने का तरीका ये डिपेंड करता है वो इक्विटी एक्सपोजर पे, और ये कहते हैं कि यदि इक्विटी एक्सपोजर किसी फंड में 65% या उससे अधिक होता है तो उसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलेंगे और यदि किसी फंड में 65% से कम इक्विटी एक्सपोजर होता है तो उस फंड को डेट म्यूचुअल फंड कहेंगे। सीधे साफ शब्दों में यदि किसी फंड में 65% या उससे अधिक इक्विटी एक्सपोजर है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और किसी फंड में 35% से अधिक डेट सिक्योरिटीज है जिस फंड में, उसको डेट म्यूचुअल फंड कहेंगे टैक्सेशन के लिहाज से। अब चर्चा करते हैं दोनों में कंपेयर करके कि क्या फिक्स डिपॉजिट ही सब कुछ हो गया है, यानी डेट म्यूचुअल फंड बिल्कुल डेड हो गया या कुछ उसमें अभी भी सांसें बची हुई हैं। तो देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या होता है। सबसे पहले डेट म्यूचुअल फंड में जो गेन होता है, चाहे वो साल भर का गेन हो, 5 साल का गेन हो, 10 साल का गेन हो, 1/4/2023 से वो कैपिटल गेन ही माना जाएगा। चूँकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रोविजंस खत्म हो गया है तो वो सारे गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माने जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम के 5 सोर्स हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, कैपिटल गेन, प्रोफेशन एंड बिजनेस से इनकम और 5वां है अदर सोर्स। तो ये डेट म्यूचुअल फंड का जो भी गेन होगा वो कैपिटल गेन में आएगा, और कैपिटल गेन में जैसे ही आएगा उसमें एक सुविधाएं दी हुई हैं कि ये कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये अप्रोप्रिएट हो सकता है अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यदि किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपको डेट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो अप्रोप्रिएट दूसरे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो उसी साल एक्रू हुआ हो उससे हो सकता है, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है डेट फंड का, ये हो सकता है इक्विटी फंड का, और ये हो सकता है अदर कैपिटल एसेट का। लेकिन ये सुविधाएँ फिक्स डिपॉजिट में नहीं है, उसमें जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा
वो उस साल के इनकम में ऐड हो जाएगा। देर इज नो प्रोविजन ऑफ एनी अप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। दूसरी बातें हैं कि डेट म्यूचुअल फंड में जो भी अप्रिसिएशन, जो भी गेन होते हैं, जब भी गेन होते हैं, 2 साल के बाद हो, 1 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, जो भी गेन होगा उस पर कोई टीडीएस का प्रोविजन नहीं है। और चूंकि टीडीएस का प्रोविजन नहीं है, इसका मतलब आप यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी टोटल इनकम कम आती है या अधिक आती है, किसी भी केस में आपको फॉर्म 15G या 15H फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि फिक्स डिपॉजिट के केस में यदि उस पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 40,000 से अधिक इंटरेस्ट एक्रूवल होता है, तो 40,000 से अधिक जितना भी होगा उसी साल उसका टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% काट लिया जाएगा, प्रोवाइडेड आपके पास पैन उपलब्ध हो, और यदि पैन नहीं हो तो वो 20% हो जाएगा। अब ध्यान दें, यदि आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे आते हैं और आपके फिक्स डिपॉजिट है बैंक में जिसका कि इंटरेस्ट एक्रूवल पर एनम 40,000 से अधिक आती है, तो आपका कुछ ना कुछ टीडीएस कटेगा और वो रिफंड लेने के लिए आपको आईटीआर फॉर्म आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। जबकि इन केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड आपका गेन कितना भी अधिक होता है आपका टीडीएस नहीं कटेगा, और यदि उस गेन कैलकुलेट करने के बाद बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से के अंदर आते हैं तो आपको आईटीआर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जबकि फिक्स डिपॉजिट केस में टीडीएस कटेगा तो रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरी सुविधा है टैक्सेशन ऑफ गेन। गेन जिस साल डेट म्यूचुअल फंड में या किसी म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन जो आपके गेन पर लगेगा वो उस वर्ष लगेगा जिस साल आप उस म्यूचुअल फंड को या तो सेल करेंगे या रिडीम करेंगे, उसी साल लगेगा। जबकि इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड ईयर ऑफ रिडम्पशन, जिस साल रिडम्पशन करेंगे उस साल ही टैक्स लगेगा। जबकि फिक्स डिपॉजिट के केस में ये एक्रूवल बेसिस पे होता है। एक उदाहरण के तौर पे देख लें, यदि आप आपकी 5 साल में आपको 2 लाख रुपये इंटरेस्ट मिलने वाले हैं, इसका मतलब 40,000 पर एनम आपका एक्रूवल हो रहा है इंटरेस्ट, और उस पे जो गेन वो 40,000 जो इंटरेस्ट होगा वो आपके उसी साल के इनकम में उड़ जाएगा। मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स 40,000 एवरी ईयर आपका इंटरेस्ट के वे में इनकम में ऐड होगा। जबकि डेट म्यूचुअल फंड के केस में यदि आपको 2 लाख का गेन होता है और तो जिस साल आप वो रिडीम करेंगे उसी साल के इनकम में वो 2 लाख रुपये ऐड होंगे। जबकि फिक्स डिपॉजिट के केस में ईयर ऑफ एक्रूअल ऐड होता है, और डेट म्यूचुअल फंड में कोई इंश्योरेंस नहीं है। इसका मतलब यदि फंड हाउस भाग जाए तो आपके पैसे डूब सकते हैं। इट इज़ टेक्निकली सेड, लेकिन आज के दिन में मार्केट रेगुलेटर इतना स्ट्रांग है कि कोई भी एएमसी या कोई फंड हाउस आपके पैसे लेके भाग नहीं सकता है। लेकिन कहने के लिए ये है कि इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं है। जबकि फिक्स डिपॉजिट या बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसमें हमारा इंश्योरेंस है अप टू ₹5 लाख अंडर DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन से। हालांकि ये उन्हीं बैंकों को उपलब्ध है ये सुविधाएं जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक में ये सुविधाएं नहीं हैं। हालांकि लोगों को गलतफहमी है कि DICGC का प्रोविजन सारे बैंकों पे लागू हैं, ऐसी बातें नहीं है, ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ इस वीडियो के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि आप ये निर्णय ले सकें कि क्या डेट म्यूचुअल फंड बिल्कुल ही डेड हो गया या इसमें अभी भी कुछ सांसें बची हुई हैं। थैंक यू।